हम नया एक करने जा रहे हैं कि जो परीक्षा देने की पात्रता रखेगा रिट की, उसे पहले बीएड या एसटीसी पास करने के बाद वो परीक्षा दे सकता था, लेकिन अब हमने एसटीसी या बीएड में एडमिशन हो जाता है तब भी वो इसकी परीक्षा देने की पात्रता रखेगा, यानी उसका कुछ साल बच जाएगा यदि बीएड और एसटीसी क्लियर होने के बाद, उस समय उसको रिट पास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही कर चुका है। और ये रिट परीक्षा भी हमारी लंबे समय तक होगी, यानी आजीवन कह सकते हैं, बार बार रिट देने की जरूरत नहीं है।